अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी दो खाने वाली रोकड़ पुस्तक बनाने के लिए कहा गया है। 2020 मार्च की बात है। 1 मार्च को रोकड़ हस्ते यानी रोकड़ का बैलेंस है 7,000 रुपये। इसको भी हम इसी प्रकार के फॉर्मेट देंगे, बनाएंगे बेहतरीन तरीके से और टू बैलेंस BD 1 मार्च को लिखेंगे 7,000 रुपये। उसके बाद हमारी अगली ट्रांजैक्शन है करण से प्राप्त हुए 5 तारीख को, तो यहाँ पर लिखेंगे 2300 रुपये और 200 रुपये की छूट है यानी डिस्काउंट। तो यहाँ लिखेंगे टू करण, 200 रुपये डिस्काउंट में 2300 रुपये जो हमें नगद मिले हैं उसको लिखेंगे। इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखेंगे, अगला पॉइंट क्या है हमारी अगली समस्या का। पहला पॉइंट है नारायण को भुगतान दिया है 2800 रुपये, छूट प्राप्त हुई है 200। अब की बार इसमें पैसे गए हैं, तो अगर पैसे गए हैं तो पेमेंट क्रेडिट में आएगा। 8 मार्च को बाई नारायण के नाम से 2800 रुपये और 200 रुपये डिस्काउंट में, तो रुपीज में 2800, 200 रुपये डिस्काउंट में दिखाएंगे। पैसा गया, राजू ने रुपए दिए हैं 950 रुपये, 50 रुपये की छूट यहाँ पर प्राप्त हुई है, उसको मिला है, तो हमें तो 950 रुपये मिले हैं, तो हम 950 रुपये टू राजू के नाम से प्राप्ति में डालेंगे, 50 रुपये डिस्काउंट में। 10 मार्च का डेट यहाँ पर लिख दिया जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर बोला गया अनिल को दिए गए, अनिल को कितने दिए गए, 1975 रुपये और उसने छूट दी 25 रुपये की, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे बाई अनिल 1975 रुपये कैश में और 25 रुपये डिस्काउंट में। इसके बाद फर्नीचर नगद खरीदे हैं 3,000 का, पैसा जाएगा फर्नीचर के नाम पे 25 तारीख में, तो बाई फर्नीचर 25 तारीख में 3,000 रुपये लिख देंगे। दुकान का यहाँ पर दुकान का किराया अब तो नीचे है, लेकिन वेतन चुकाया है 300 रुपये का, मजदूरी दी है 50 रुपये, किराया दिया है 400 रुपये, तो ये 28 तारीख में दो ट्रांजैक्शन है 300 और 50 की, और 31 में किराया देने की है 400 रुपये की, तो यहाँ पर बाई सैलरी 300 रुपये, वेजेज 50 रुपये और बाई रेंट 400 रुपये, ये यहाँ पर पेमेंट समाप्त हो गया। अब हम डिस्काउंट का टोटल चेक करेंगे, तो 250 डेबिट का है, क्रेडिट का 225 रुपये है, तो आंसर में देखते हैं डेबिट का 250 ये रहा, क्रेडिट का धनी से धनी योग लिखा है तो क्रेडिट है, ये 225 रुपये है, तो भाई डिस्काउंट तो राइट हो गया, बैलेंस 1725 आ रहा है, तो हमारा बैलेंस भी 1725 रुपये आ रहा है। इनका टोटल 7,29,000, 10,250 रुपये हुआ, यही साइड ज़्यादा है, ये तो बहुत कम है, तो इसको हम इन सबको टोटल करेंगे 400 रुपये तक, तो 400 रुपये तक का जो टोटल होगा उसको हम 10,250 में से घटाएंगे, तो यहाँ पर बाई बैलेंस CD 1725 रुपये आएगा। चलो इसको हम कैलकुलेटर पे दिखाते हैं कैसे लिखेंगे, नहीं तो आप सोचेंगे सर ने सवाल बता दिया, अरे एक भी जोड़ा घटाया तो है नहीं। ये रहा 10,250 रुपये, इसमें से इन्हें घटाना है, 2800 माइनस 1975 माइनस 3,000 माइनस 350, मैंने इन दोनों को जोड़ लिया इकट्ठे, माइनस 400, तो ये आ गया 1725 रुपये, आपने देख लिया। इस प्रकार से इसका आंसर बिल्कुल राइट हो चुका है, यही बैलेंस CD करेंगे। मार्च 31 को जब समाप्त होगा तो 1 अप्रैल को टू बैलेंस BD भी हो जाएगा 1725 रुपये, और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त हो गया है। अब आपके सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 6। मल्होत्रा जनरल स्टोर ने 1 जनवरी 2020 को 15,000 रुपये की पूंजी लगाकर एक दुकान खोली। जनवरी माह के मतलब मास यानी माह के उनके नगद और बैंक संबंधी लेन देन निम्न प्रकार थे। इस सवाल में आपको 3 कॉलम यानी कि 3 कॉलम वाली कैशबुक बनाने के लिए कहा गया है। इसका मतलब साफ है कि इसमें कैशबुक, बैंक और डिस्काउंट का कॉलम बनाया जाएगा। इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर कोई भी लेन देन हम बैंक से करेंगे तो उसे बैंक से ही अटैच करना होगा, यानी बैंक वाले कॉलम में ही लिखना होगा। जिसका हिसाब किताब नगद होगा वो कैश से संबंधित होगा, और जिसका हिसाब किताब डिस्काउंट से अटैच होगा, डिस्काउंट अगर उसमें है तो उसको भी आपको लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इसको हम पढ़ेंगे एक एक करके और फिर इसका सॉल्यूशन आपको दिखाएंगे।
तो सबसे पहले 1 जनवरी 2020 को 15,000 रुपये की पूंजी लगाकर दुकान खोली जा रही है। तो इसका मतलब है कि 1 जनवरी 2020 को टू बैलेंस बीडी जो हम लिखते थे पहले, उसकी जगह पर टू कैपिटल अकाउंट लिखेंगे 15,000 रुपये। तो यहाँ पर देखेंगे आप डेबिट साइड में किस प्रकार से इसका प्रेजेंटेशन किया गया है, उसको आपको बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। है तो बहुत बड़ा ये, लेकिन मैंने इसको फॉर्मेट बहुत बेहतरीन बनाने की कोशिश की है। यहाँ पर लिखेंगे 2020 जनवरी 1 टू कैपिटल अकाउंट के नाम से 15,000 रुपये लिख देंगे सबसे पहले नंबर पे। उसके बाद है बैंक के चालू खाते में जमा किए, यानी बैंक के चालू खाते में जमा करने का मतलब होता है कि बैंक में जमा किया, लेकिन ये पैसा कैश में से निकल के तब बैंक में जाएगा। तो जब कैश में निकलेगा तो क्रेडिट साइड में 1 जनवरी को बाई बैंक के नाम से कैश वाले कॉलम से पैसा निकल जाएगा और सीधा ये आकर के बैंक वाले कॉलम में बैंक में जमा होगा। और यहाँ LF वाले कॉलम में हम कॉन्ट्रा लिखेंगे। कॉन्ट्रा से मतलब होता है ऐसा लेन देन जिसका संबंध कैश और बैंक से एक ही तारीख में हो जाता है, यानी पैसा बैंक से या तो निकाल रहे हों या पैसा बैंक में जमा कर रहे हों। उस प्रकार के जो जर्नल मतलब जो उस प्रकार के जो एंट्री होती है, ट्रांजैक्शन होते हैं, उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। तो LF वाले कॉलम में हम C लगा देते हैं और सेम डेट होती है 1 तारीख की, उससे पता चलता है कि 1 तारीख में कॉन्ट्रा एंट्री आई है। और यहाँ पर अगली ट्रांजैक्शन देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, क्योंकि हमने यहाँ पर कैमरे को जूम करना भी है और आपको दिखाना भी है, समझाना भी है। तो यहाँ पर देखेंगे तो अगला ट्रांजैक्शन है चेक द्वारा माल खरीदा 6,000 रुपये। अब चेक द्वारा माल खरीदेंगे तो पैसा हमें देना पड़ेगा। अगर पैसा हमें देना पड़ेगा तो फिर हम इसको लिखेंगे कहाँ, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाई परचेज अकाउंट जनवरी 3 को, और ये पैसा बैंक में डालेंगे क्योंकि चेक का पेमेंट बैंक से अटैच होता है। इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन देखेंगे 5 तारीख को। 5 तारीख को यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेशनरी खरीदी 40 रुपये, इसमें भी पैसा गया है, इसका भी पेमेंट आपको यहाँ दिखाया जाएगा 5 तारीख में बाई स्टेशनरी, कैश में दिखाएंगे क्योंकि चेक का संबंध इसका है नहीं, ना ही चेक के बारे में कहा गया है। इसके बाद है 7 तारीख को नगद माल बेचा गया है। 7 को देखिए आप यहाँ पर, तो लिखा हुआ है 7 तारीख में नगद माल बेचा गया, पैसा आया 1,200 रुपये, तो इससे हमें पैसे मिलेंगे 7 तारीख को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेबिट साइड में 7 तारीख जनवरी की डेट डालेंगे, टू सेल्स अकाउंट के नाम से 1,200 रुपये कैश में लिख देंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नगद बिक्री बैंक में जमा की है 1,400 रुपये। इसका मतलब है माल बेचकर हमारे पास पैसा आया है और सीधा हमने बैंक में जमा कर दिया है। तो यहाँ पर 9 तारीख को टू सेल्स के नाम से सेल्स अकाउंट लिखेंगे और सीधा पैसा बैंक में डाल देंगे, यानी सेल हुआ और उसका पैसा बैंक में सीधा जमा हो गया है। इसके बाद अगली डेट है 12 तारीख के नगद माल खरीदा है 5,500 रुपये, इसमें कैश दिया गया है, बैंक से पेमेंट नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 तारीख में बाई परचेज अकाउंट के नाम से 5,500 रुपये कैश में डाल देंगे, यानी रोकड़ में। इसके बाद है अगला 15 तारीख को कार्यालय के लिए बैंक से निकाले, यानी बैंक से पैसा निकलेगा और ऑफिस में आएगा। तो यहाँ पर देखिए आप बाई कैश के नाम से कॉन्ट्रा लिखेंगे, 350 रुपये बैंक से निकलेंगे, यानी बैंक से निकल करके ये कैश में आएंगे, यहाँ पर कैश के डेबिट साइड में। जब हम कैश वाले कॉलम में लिखेंगे तो यहाँ पर बैंक का नाम लिखेंगे, और जब यहाँ बैंक वाले कॉलम में पैसा लिखेंगे तो बाई कैश का नाम लिखेंगे, और LF वाले कॉलम में C लिख देंगे, यानी कॉन्ट्रा, यानी ये 350 रुपये की जो एंट्री है ये कॉन्ट्रा एंट्री है, यहाँ भी C लिख देंगे, यहाँ लिखा नहीं था मैंने, लिख दिया जाएगा। इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखने पता चलता फुटकर व्यय नगद चुकाए 20 रुपये का, फुटकर व्यय नगद चुकाए गए तो पैसा गया है। तो यहाँ पर हम डालेंगे 18 तारीख में बाई पेटी एक्सपेंसेज और कैश वाले कॉलम में 20 रुपये लिख देंगे। इसके बाद है प्रेम प्रकाश से भुगतान में चेक द्वारा पाया गया, उन्हें छूट दी गई 20 रुपये की, लेकिन प्रेम प्रकाश का जो चेक है बैंक में जमा किया है 23 तारीख में। तो हम 23 तारीख जब उनका पैसा बैंक में जमा करेंगे तब हम लिखेंगे टू चेक्स इन हैंड के नाम से। तो यहाँ पर देखेंगे टू चेक्स इन हैंड के नाम से 20 रुपये डिस्काउंट में 430 रुपये बैंक में। अब इसमें थोड़ा सा अपवाद है, 23 तारीख की बात है ये, अपवाद ये है कि कुछ किताब वाले जो है राइटर्स, जब चेक जमा होता है उस दिन बैंक वाले कॉलम में पैसा लिखते हैं, टू चेक्स इन हैंड के नाम से लिखते हैं।
कुछ राइटर लोग इसको जब चेक प्राप्त होता है तो कैश में डाल देते हैं, और जिस दिन जमा होता है कैश में क्रेडिट करके और बैंक में डेबिट कर देते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, कुछ राइटर। लेकिन सही ये है कि जब चेक बैंक में जमा होगा तभी हम उसको बैंक में जमा करेंगे, और उसको हम चेक्स इन हैंड के नाम से लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसी दिन वो बैंक में जाता है। अगर डिसओनर होगा तो जिस दिन डिसओनर होगा उसे हम क्रेडिट कर देंगे, पैसा बाउंस हो जाए, मतलब चेक बाउंस हो जाता है। इसमें ऐसा हुआ भी है। यहाँ पर लिखा गया है जयप्रकाश को चेक द्वारा भुगतान किया 630 रुपये। तो जयप्रकाश को हमने पैसा यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे 22 जयप्रकाश के नाम से 25 तारीख में 630 रुपये, 15 रुपये डिस्काउंट के। फिर अगले ही स्टेप में कहा गया कि ये जो प्रेम प्रकाश का चेक हमने बैंक में जमा किया था 23 तारीख में, ये प्रेम प्रकाश का चेक बाउंस हो गया, यानी डिसओनर हो गया, वापिस होकर लौट आया है। तो हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में जब बैंक में जमा किया तो डिस्काउंट और हमने यहाँ पर चेक का पैसा दोनों ही हमने यहाँ पर डाल दिया था डेबिट साइड में। अब ये बाउंस चेक हो जाएगा, तो इसी की सेम रकम जहाँ जहाँ पर ये क्रेडिट डेबिट हुआ है वहीं पर हम उसी उसी के कॉलम में जाके क्रेडिट भी कर देंगे। तो इसका मतलब बाई प्रेम प्रकाश के नाम से 430 रुपये, डिस्काउंट में 20 रुपये लिखकर हम इसको बंद कर देंगे, यानी इसको भी इसी प्रकार से प्रेजेंट करेंगे, यानी कि चेक का पैसा हमें नहीं मिला। इसके बाद है डाक भेज चुकता की, ये 20 रुपये का, ये तो हमारा खर्चा है 30 तारीख में, बाई पोस्टेज के नाम से नगद पेमेंट हुआ है 20 रुपये का। व्यापार व्यय का चेक द्वारा भुगतान हुआ है, ट्रेड एक्सपेंसेज 270 रुपये, बाई ट्रेड एक्सपेंसेज 31 तारीख में 270 रुपये। इसके बाद है वेतन के भुगतान में चेक दिया गया 250 रुपये। तो चेक दिया है तो चेक का पेमेंट हुआ सैलरी का, तो यहाँ पर जनवरी 31 को यहाँ पर लिख दिया जाएगा 250 रुपये। इसके बाद अगला स्टेप हमारा सिर्फ बैलेंस का बचता है, हम इसको बैलेंसिंग करेंगे। कैसे करेंगे भाई, देखिए डेबिट का टोटल करेंगे, डेबिट वाले टोटल में से क्रेडिट वाले टोटल को घटाएंगे। तो सबसे पहले डिस्काउंट का टोटल 20 रुपया है डेबिट का, क्रेडिट का है 35 रुपया, एक तो ये हो गया ख़त्म। इसके बाद नंबर आता है कैश का, कैश है 15,000, 16,550, यहाँ लिख देंगे 16,550, यहाँ भी लिखेंगे 16,550। 16,550 में से इसको माइनस करेंगे 10,500, मतलब 10, 5, 15,000, 540, 560, 580, 10,580 माइनस कर देंगे, 970 रुपये आ जाएगा। इसके बाद बैंक का कॉलम चेक करेंगे तो बैंक वाला डेबिट साइड ज़्यादा है, यही इसी को ही 10 और 1 11,830 रुपये यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, और ये 6,350, 630, 430, 270, 250, इन सभी को टोटल कर लेंगे। टोटल करके इसी 11,830 में से माइनस करेंगे, 3,900 रुपये आ जाएगा। इसे बाई बैलेंस सीडी के नाम से लिख देंगे और जनवरी 31 की डेट डाल देंगे, और अगली महीने में यानी कि 1 फरवरी 2020 को यहाँ डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी के नाम से कैश का बैलेंस, ये वाला कैश के कॉलम में, बैंक वाला बैंक के कॉलम में लिख करके यहाँ पर शो करेंगे। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इस वक्त क्वेश्चन जो बनाए हैं भाई, ये पेज हमने पता है इसको, इस पेज को ऐसे के बजाय ऐसे बनाना पड़ गया, इतना भारी मतलब सवाल बन गया ये। विस्तार पूर्वक बनाने के लिए इसको बाकायदे आपको पेज को इसी प्रकार से हॉरिजेंटल फॉर्म में यानी क्षैतिज अवस्था में इसको तैयार करना पड़ा है। तो वीडियो अच्छी लगती हो तो भाई शेयर कर देना, और अपने फ्रेंड सर्किल में इसके बारे में ज़रूर जानकारी दीजिए। और अब आपके लिए धूमचक तरीके से, बहुत ही धमाकेदार तरीके से हम 11वीं वाले बच्चों के लिए भी वीडियो कंटिन्यू बनाना शुरू कर दे रहे हैं, और आपके पास कंटिन्यू अपडेट पहुंचती रहेगी। वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए, और आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगले वीडियो में हमारी और आपकी पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।